सीधे आप नागपुर से विजुअल्स देख पा रहे हैं, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका असर लोगों के जीवन पर सकारात्मक पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आईआईटी नागपुर के भवन की आधारशिला रखी गई, आईएम नागपुर की आधारशिला रखी गई। पीएम ने कोराडी थर्मल पावर स्टेशन का भी उद्घाटन किया। कैंपस नागपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं निर्माणाधीन मेट्रो रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से भी आसानी के साथ पहुंचा जा सकता है। एम्स नागपुर में शिक्षा, अनुसंधान और मरीजों की देखभाल के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 960 बेड्स के साथ ये एक अत्याधुनिक भवन होगा, जिसका निर्माण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 1577 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्य अगले 3 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। एम्स नागपुर कैंपस सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अनुसंधान केंद्र, कौशल केंद्र, ओपीडी, आपातकालीन विभाग, हेलीपैड, पुस्तकालय, सभागार, आयुष ब्लॉक, ट्रॉमा सेंटर, सार्वजनिक स्वास्थ्य विद्यालय, छात्रावास, कर्मचारी आवास, धर्मशाला, पार्किंग, गार्डन, फायर स्टेशन, अतिथि गृह, फैकल्टी क्लब आदि की सुविधाएं होंगी। इस संस्थान में हर साल में 100 MBBS और विभिन्न विशेषताओं पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को लाभ मिलेगा। एम्स नागपुर के निर्माण से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। नागपुर शहर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य के करीब है। इस प्रकार एम्स नागपुर से कुल 5 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे, जो भारत की गरिमा को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। शुभकामनाएं देवी सज्जनों आप सभी को। और अब आज वो शुभ घड़ी भी है जब महाराष्ट्र के 20 बड़े शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के मकानों के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा कि इस कार्य का शुभारंभ आप अपने कर कमलों से करें। प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास शहरी। हमने सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। सबसे अधिक शहरीकरण वाले महाराष्ट्र राज्य में लगभग 19.4 लाख आवासों की कमी पाई गई है। महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा ने नियोजन तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया है। देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री मोदी जी यांनी 2022 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला घर द्यायचा संकल्प घेतला आहे आणि त्या संकल्पाची पूर्ती ही महाराष्ट्रामध्ये व्हावी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को मूर्त स्वरूप देते हुए सरकारी भूमि को लगभग बिना किसी मूल्य के प्रदान करने का साहसिक निर्णय लिया है। EWS आवासों के लिए प्रति आवास इकाई पर सिर्फ 1,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लागू और संयुक्त भूमि मापन शुल्क एवं विकास शुल्क में 50% की छूट दी है। भारत के दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री जी हर बेघर परिवारों को उनके खुद के घर की सौगात प्रदान करना चाहते हैं। लोगों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार जहां 1.5 लाख रुपए का अनुदान दे रही है, वहीं महाराष्ट्र सरकार 1 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। आज म्हाडा राज्य भर में 21 परियोजनाओं में लगभग 40,000 आवासों के निर्माण की नींव रखने जा रहा है, जिसका शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आरंभ एक नए अध्याय का। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों कार्यक्रम में हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तथा कानून एवं न्याय मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी की।
डिजिटल इंडिया अभियान को अत्यंत ऊर्जा और कौशल के साथ आप अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मैं श्री रविशंकर प्रसाद जी से साग्रह अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर हमें उद्बोधित करें। परम आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, मित्र प्रकाश जावड़ेकर जी, पीयूष गोयल जी, रामदास अठावले जी, गिरीश महाजन जी, प्रकाश मेहता जी, सीके भवन कुले जी, अन्य सभी महत्वपूर्ण अतिथिगण, देवी और सज्जनों, अधिकारीगण, नमस्कार। आज का दिन देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। एक ऐसे व्यक्ति जो दलित परिवार में पैदा हुए लेकिन कभी हीनता का भाव नहीं आया, मन में एक ही संकल्प था, एक ऐसा समाज, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां समानता हो, जहां प्रेम हो। आज उनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन भारत के संविधान में समानता और विभेदकारी जीवन को रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बाद जो आज देखने में आया तो क्या था? एक भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमान राजीव गांधी। उनकी पीड़ा थी कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं और जमीन पर 15 पैसे पहुंचते हैं। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक सपना देखा डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया का सार है कि अगर दिल्ली से हम 100 रुपया भेजें तो गरीब की झोली में 100 रुपया पहुंचना चाहिए। यह है डिजिटल इंडिया। इसीलिए गरीबों का पहले बैंक अकाउंट खोला गया जो बैंक से बाहर थे। आप सोच सकते हैं कि 2 साल के अंदर 28 करोड़ बैंक अकाउंट गरीबों के खोले गए। और भारत का डिजिटल भारत क्या है? 125 करोड़ के भारत में 113 करोड़ आधार कार्ड है, 108 करोड़ मोबाइल फोन है, 50 करोड़ लोग इंटरनेट पर उपयोग करते हैं वायरलेस और लैंडलाइन, और 35 करोड़ स्मार्टफोन है आप सबों के पास भी, आप उससे खींचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का निर्देश क्या था? जोड़ो गरीबों के बैंक अकाउंट को उनके मोबाइल से, जोड़ दो आधार से, और सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, बाकी इस देश में होता था ना कि बेटी पैदा नहीं हुई, बड़ी हो गई, विधवा हो गई और विधवा का पेंशन लेती है, यह होता था कि नहीं होता था? इसको समाप्त करना था। और आज मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि पिछले 2 साल में हमने कई योजनाओं में गरीबों का हिस्सा, उनकी सब्सिडी सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजी, और जो बिचौलिए थे वो समाप्त हो गए। 49,000 करोड़ रुपए बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे, 49,000। और वो सारा पैसा आज गरीबों के हित में आ रहा है। 2 करोड़ गैस सीधा पहुंचाया गरीबों के पास, जो माताएं परेशान रहती थी उज्ज्वला योजना में, आगे और देने की योजना है। आज अंबेडकर जी की जयंती है। डिजिटल इंडिया, उसमें एक मेक इन इंडिया भी है, उसमें एक स्टैंड अप इंडिया भी है। मोदी जी ने पूछा, रविशंकर इतने तो मोबाइल फोन है, इस देश में बनते कितने हैं? और पिछली सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर हो रहा है? 2 आंकड़े देना चाहूंगा। देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में नोफन था, सुनिए, 3 साल में सिर्फ 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर। मोदी जी की सरकार ने जोड़ा 2.5 साल में 1,78,000 किलोमीटर। मोदी जी ने कहा, रविशंकर मोबाइल कितने बनते हैं? देखा, मैं इलेक्ट्रॉनिक का भी मंत्री हूं, सारे मोबाइल फैक्ट्रियां बनती। पिछले 2 साल में हिंदुस्तान में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ गई है और 12 करोड़ मोबाइल फोन बनाए।
लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, छोटे छोटे शहरों में बीपीओ खोल रहे हैं ताकि नौकरियां मिले। और स्टैंड अप इंडिया क्या है? प्रधानमंत्री का निर्देश है कि हर बैंक एक दलित और एक आदिवासी को लोन दे और उसको एंटरप्रेन्योर बनाए, तो देश को नया करने का हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, कभी कभी उसकी धमक सरहद के पार भी दिखाई पड़ती है, आपको पता है, और काले धन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, देश को ईमानदार बनाने की कोशिश होती है। आज हम आपको बताते हुए मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि भारत में जिस तरह आधार की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसी प्रकार से डिजिटल पेमेंट की चर्चा दुनिया में हो रही है। और आज आधार का जो एक नया सपना लेकर आधार पे हम शुरू करने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है कि आपको अपने पास मोबाइल नहीं रखना पड़ेगा, दुकानदार के पास स्मार्टफोन होगा, आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा होगा और सीधा आप 200 रुपया क्लिक करेंगे और आपके अकाउंट से 200 रुपया पेमेंट हो जाएगा, सारे बिचौलिए साफ। और नाम दिया भीम ऐप। 26 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अभी तक इसको 2 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है और 823 करोड़ का पेमेंट हुआ है। आज देश में 40 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से जुड़े हुए हैं। हम जो पॉस मशीन होती है पॉइंट ऑफ सेल, वो 15 लाख से 31 लाख करने वाले। हम देश को डिजिटली ट्रेन कर रहे हैं, 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेट करने वाले आने वाले 3 साल में। और हमारा एक सपना, हमारा एक आंदोलन चलता है कॉमन सर्विस सेंटर का। जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो सिर्फ 70,000-80,000 था, उसको हम ले गए 2.5 लाख पर। वो गांव में दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, नौजवान साथी पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, टिकटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं। और उनकी हिम्मत यह है कि मुझे वेंकैया जी बता रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार ने यूपी में गरीबों के हाउसिंग में सहयोग करने से इनकार कर दिया। तो हमने कहा वेंकैया जी, हमारी डिजिटल सेना है एक कॉमन सर्विस सेंटर की, उसका उपयोग करिए। 3 महीने में 10 लाख गरीबों ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अप्लाई किया मोदी जी की योजना के लिए। ये काम हम कर रहे हैं। इनसे हमने कहा था नौजवानों को ट्रेन करो, बाकी को ट्रेन करो। 2 करोड़ लोगों को देश को उन्होंने ट्रेन किया और बड़ी संख्या में शॉपकीपर्स को ट्रेन किया। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री का निर्देश होता है कि इस डिजिटल पेमेंट में जनता को जोड़ो, पुरस्कार दो, तो बड़ी संख्या में लगभग देश में ग्राहकों को पुरस्कार दिया गया है, दुकानदारों को पुरस्कार दिया गया है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हुई है कि 15,78,000 ग्राहकों को पर हफ्ता 1,000 रुपया जो उनको मिलता था पुरस्कार के रूप में, 197 करोड़ रुपया दिया गया है और 91,000 दुकानदारों को अब तक पुरस्कार में 59 करोड़ दिया गया है। और आज उसका एक मेगा पुरस्कार प्रधानमंत्री के हाथों से दिया जाएगा, इसकी घोषणा अभी हम करेंगे। उसके जो उपस्थित हमारे बंदे हिंदुस्तान से आए, उनका हम सम्मान करेंगे। एक बात आप समझिए, मैं अंतिम में कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, उनकी सरकार बना रही है एक उदयमान भारत, एक ऊर्जावान भारत, एक सशक्त भारत, एक ईमानदार भारत। और आज जब आधार पे लॉन्च हो रहा है तो मुझे यहां पर एक सवाल करना है, क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना बने, सबसे मजबूत सेना बने? आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान के नौजवान सबसे अच्छा इनोवेशन करें? आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान की सड़कें सबसे मजबूत हों? इसके लिए ईमानदारी से टैक्स भी देना पड़ेगा, और इसीलिए ये देश को पूरा जो डिजिटल पेमेंट है ये ईमानदार बनाने की कोशिश है। और उस ईमानदारी के मुहिम में हम आगे बढ़े। आज हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, अपनी आईटी नीति आयोग की पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहते हैं, इतने हिम्मत के साथ डिजिटल पेमेंट को दुनिया के सामने एक अद्वितीय मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया है। और जिस तरह आधार डिजिटल इंडिया दुनिया में एक अपना तिरंगा का परचम लहरा रहा है,
उसी प्रकार से आधार पे भी अपना परचम लहराएगा। आज मैं नागपुर में हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी नागपुर से आते हैं, वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी नागपुर से आते हैं, यहां ट्रिपल आईटी खुला है। मैंने कहा था नागपुर को हमें आईटी का नया सेंटर बनाना है, और आदरणीय नितिन जी, आदरणीय गडकरी जी, देवेंद्र जी, मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 20,000 स्क्वायर मीटर का एक हम इंक्यूबेशन सेंटर नागपुर में बनाएंगे आईटी विभाग की तरफ से, जहां पर हम एसटीपीआई को और मजबूत करेंगे, जो ट्रिपल आईटी के बच्चे आएंगे वो स्टार्टअप इंडिया में आगे बढ़े। ये मेरी आपसे अपील है, और इसीलिए एसटीपीआई की और फैसिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, मुझे आपसे एक अपील करनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प किया है, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना। उस महान यज्ञ में आप सभी शामिल हो और हिंदुस्तान का तिरंगा दुनिया में और लहराए, इसी संकल्प के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।